अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते आदाब, सत श्री अकाल और हेलो। एक टाइगर आपके सामने बैठा है और दूसरे टाइगर की हम बात करने जा रहे हैं। टाइगर कहाँ हो गया? चले छोड़ दे, टाइगर यंग टाइगर की हम बात करने जा रहे हैं। मैं थोड़ा सा यंग, मैं भी यंग ही हूँ लेकिन मैं थोड़ा सा मोटा टाइगर हूँ। खैर, तो यंग टाइगर अन्ना की बात करने जा रहे हैं, जूनियर एनटीआर की बात करने जा रहे हैं। जब भी हम अन्ना की बात करते हैं तो एक इमोशनल कनेक्ट है, क्योंकि जब ये और मेरे साथ रिएक्शन पे शामिल हुई थी तकरीबन, नहीं देखे तो हमने शायद सलमान खान की पहली वीडियो देखी थी या किसकी देखी थी, लेकिन हमने फर्स्ट जब देखा तो RRR का, उनका अन्ना का और रामचरण का आया था टीज़र नया नया ना, और रामचरण यूं बॉक्सिंग कर रहे हैं और अन्ना भागते भागते आ रहे हैं और वो शेर के साथ उन, तो वो हमने फर्स्ट देखा। ये आप वो वीडियो देख सकते हैं उठा के, इसने एंड पे ना वीडियो ख़त्म होगी, मुझे बोलती है यार ये क्या कमाल है और इस तरह अन्ना का ना। तो खैर तब से ये भी फ़ैन हुई, मैं उससे पहले का फ़ैन था। तो अन्ना की आने वाली फिल्म है जी देवरा, जिसके हमें बहुत एक्साइटमेंट, जो कि इसी साल आ रही है। उनके साथ हैं जाह्नवी कपूर, फर्स्ट सिंगल का हम देख चुके थे जो कि टाइटल ट्रैक था उसका देवरा का। हम तो तब से देख रहे हैं जब ये फिल्म नहीं भी बननी थी और इसकी याद है एक वो पूजा भी हुई थी। हाँ हाँ हाँ, हम शुरू से देख रहे हैं इसको, जब पूजा हुई थी इसकी तो अनाउंस हुई थी अन्ना की ये फिल्म, तब से देख रहे हैं। आज इसका जी एक पोस्टर आया है जो इसका सॉन्ग रिलीज़ होना है 5 तारीख को, और एक पोस्टर के साथ साथ एक इसका शॉर्ट सी वीडियो आई है जिसमें इसकी थोड़ी सी ट्यून भी है, और थोड़ा सा क्या ट्यून होगी गाने की आप समझ लें, छोटा सा टीज़र समझ लें, प्रोमो समझ लें। तो पोस्टर प्लस शॉर्ट से भी शॉर्ट टीज़र हमारे पास मौजूद है, और आपको थोड़ी सी गाने की धुन, मतलब म्यूज़िक सुनाई देगा उसमें, और 3-4 जबानों में ये गाना आ रहा है। तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। जितने भी अन्ना फैंस हैं, तारक अन्ना फैंस हैं, सबसे पहले तो लाइक करो, कमेंट करो और व्लॉग चैनल को भी सब्सक्राइब करो। वहाँ पर जाके आपने लिखना भी लाजमी है कि लव फ्रॉम NTR फैंस, सो या NTR आर्मी। तो देख लेते हैं, देखने के बाद करेंगे डिस्कशन। वाह जी, जाह्नवी एंड अन्ना, अन्ना के छोटे बाल हैं उसमें कर्ली थे गाने में हो, और रोमांटिक सॉन्ग लग रहा है, और दोनों ही वाइट कपड़ों में। वाओ, ये तो भाई रोमांटिक सॉन्ग, दूसरा सॉन्ग रोमांटिक है, दोनों का कपल अच्छा लग रहा है। फॉरेस्ट है, हाँ, मैन ऑफ मैसेस NTR देवरा Part 1। ओके, अभी बस हमारे पास थोड़ी देर में आने वाला है, प्ले होने वाला है इसका जो शॉर्ट सा प्रोमो या टीजर कह लें। उसकी आवाज़ क्यों नहीं है? नहीं, ये तो पोस्टर है ना, ये तो पोस्टर है, बट आई थिंक सिर्फ इस गाने के लिए शायद। हाँ, अगस्त 5th अगस्त, ओए 5th अगस्त को आना है, मैं अभी अगस्त ही चल रहा है ना। अच्छा अच्छा, ओ हाँ, अच्छा शिल्पा राव ने हिंदी में गाया। हाँ, तितलियां उड़ रही हैं, एक बार फिर देखते हैं इसको। दीप्ति सुरेश ने तमिल में गाया है। आहा, रोमांटिक सॉन्ग अच्छे लगे, सॉफ्ट सा बहुत। पहले तो हम पोस्टर की बात करें ना, अच्छा पोस्टर इतने मजे का, दोनों ने सेम कलर के कपड़े पहने, पीछे सारा एक घना जंगल, और ये इस जंगल में शायद इसकी जंगल टाइप इसका वो होगा, और दोनों ने वाइट पहन रखा है। अन्ना के बाल इस गाने के लिए छोटे हो चुके हैं, और दोनों एक दूसरे की तरह, जाह्नवी को पकड़ा हुआ है अन्ना ने पोस्टर में, ठीक है। तो रोमांटिक सॉन्ग है, और अच्छा उसके बाद जो इसका एक वो आता है, हे, बड़ा सॉफ्ट सा प्यारा सा बैकग्राउंड म्यूजिक, बटरफ्लाईज उड़ रही हैं, और कौसर मुनीर ने हिंदी में लिरिक्स लिखे हैं, और सभी, और शिल्पा राव जो बेशरम रंग वाली हैं, बेशरम रंग, उन्होंने गाया है ये। और मैं ये सोच रहा हूँ कि यानी कि सिर्फ लड़की की आवाज़ होगी, मेल सिंगर का तो नहीं बताया ना, लड़की का नाम है तो लड़की की। तो और तमिल में जो सिंगर आई थी उनका नाम था दीप्ति सुरेश, तो ना, हाँ बस कल का दिन और फिर परसों आ जाएगा, टाइम नहीं लिखा हुआ। बाकी इसके बॉस्कोम आर्टिस्ट कोरियोग्राफर हैं, और तमिल में विग्नेश शिवान ने लिरिक्स दिए हैं, कन्नडा में वरदराज का चिका बला पूरा,
और मलयालम में मंकोम्बू गोपाल कृष्णा। सो सभी के इन्होंने नाम बताए हैं और इसमें अन्ना को जाह्नवी ने पीछे से पकड़ रखा है और अन्ना शर्मा रहे, थोड़ा सा वो कर रहे हैं, ब्लश कर रहे हैं, तो एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। मैं चाहता था कि अन्ना की भी इसमें हो सकते इसमें सारा फीमेल अन्ना के लिए गाएंगे। हाँ, लेकिन अन्ना की भी आवाज़ होनी चाहिए थी, कोई दोनों गा रहे होते ना, तो ये सोलो है, डुएट नहीं है। बहरहाल तो बड़ी आप लोग सुलेमान की राय ज़रूर आगे दीजिएगा। तो यार जितने भी अन्ना फैंस हैं लाइक करो, कमेंट में बताओ ये कैसा लगा पोस्टर टीज़र और क्या फील्स आ रही हैं सॉन्ग से, हमें ज़रूर बताइएगा। यार आप तो कोई क्लिम्स तो दे दिए, टीज़र तो नहीं आया ना इसका अभी तक, टीज़र ट्रेलर दे दो, नहीं आया टीज़र, नहीं आया मेरे ख्याल से, तो ट्रेलर दे दो, जल्दी जल्दी कर दो। सो खैर इस सॉन्ग से फिलहाल गुजारा चलाएंगे, हमें तो बड़ी एक्साइटमेंट है, आपको कितनी एक्साइटमेंट है कमेंट में बताना ना भूलिएगा। रिएक्शन अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, हमारे ब्लॉग चैनल जाके लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें लेटेस्ट फोटो स्टोरीज और अपडेट्स के लिए। इसी तरह आपके लिए लाएंगे न्यू एंड डिफरेंट रिएक्शन डेली, तब तक के लिए रखिएगा अपना ढेर सारा